कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र से होकर आगे बढ़ रही है। जलगांव और शेगांव के रास्ते से यात्रा गुजर रही है और इसी दौरान यात्रा में शामिल हुए दो बड़े चेहरे रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी। दोनों ही चर्चित एक्ट्रेस हैं, दोनों ही तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाई दे चुकी हैं और दोनों की जनता के बीच अच्छी पॉपुलैरिटी है। आकांक्षा पुरी की पहचान जहां मीका के स्वयंवर जैसे प्रोग्राम से है, वहीं रश्मि देसाई को उतरन जैसे सीरियल्स में देखा जा चुका है। दोनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, काफ़ी देर तक राहुल गांधी के साथ दोनों ने पदयात्रा भी की। इस दौरान तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जो कांग्रेस ने और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई हैं। वीडियोस सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी के साथ दोनों अभिनेत्रियां पदयात्रा करती हुई देख रही हैं। राहुल गांधी ने दोनों का हाथ थाम रखा है और अपने साथ यात्रा में दोनों को शरीक करा रहे हैं। रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करने के तमाम फोटोज़ तमाम वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई बड़ा चेहरा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ है। अभी दो रोज़ पहले ही एक्ट्रेस रिया सेन भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, उनके भी फोटो और वीडियो सामने आए थे। और इससे कुछ दिन पहले ही पूजा भट्ट भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, जिसकी फोटोज वीडियोज काफ़ी वायरल भी रहे थे। जब से यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल हुई है, तमाम बड़े नाम बड़े चेहरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं, पदयात्रा कर चुके हैं। इसमें पूजा भट्ट, रिया सेन, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी के अलावा तमाम राजनेताओं के नाम भी शामिल हैं। इनमें खास नाम है सुप्रिया सुले का, जो एनसीपी की नेता हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे, जो शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे के पुत्र भी हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की थी। इन तमाम नेताओं के शामिल होने का एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी देखा जा रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ही सरकार थी। कांग्रेस के साथ शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाई थी, जिसने महाराष्ट्र में सत्ता में बैठी थी जो पार्टी। महाविकास अघाड़ी के टूटने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि अब महाविकास अघाड़ी सत्ता से हट गई है, तो मुमकिन है कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन भी टूट जाए। लेकिन सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और इसे राजनीति के इसी चश्मे से देखा गया कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी साथ में है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। We'll be right back.